हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं आरपीएसएफ के अंदर पे कितना स्ट्रेंथ है और आज की डेट पे कितना बैटालियंस है और उस बैटालियंस कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में पूरा की पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर पे लेने वाला है। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आरपीएसएफ में ज्वाइन करना चाहते हो या आरपीएफ में ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर ये पता होना चाहिए कि कितना बैटालियंस है। तो अभी चलते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने के लिए। हाल फिलहाल में हम लोग बात करते हैं कि आरपीएसएफ हैव टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ इज़ 9000। ठीक है, 9000 सैंक्शन स्ट्रेंथ है और ईच बैटालियंस हैज़ 6 कॉइस। मतलब एक बैटालियन के अंदर में 6 कॉइस है और वहाँ पे 5 ऑपरेशनल एंड 1 हेडक्वार्टर्स, मतलब 5 ड्यूटी करने वाले एक हेडक्वार्टर है। मतलब हेडक्वार्टर में मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलेगा। कभी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है तो हेडक्वार्टर का बंदा भी जाएगा। एग्जिस्टिंग 10 बटालियंस हैव 6 कॉइस ईच। हावेवर 11th एंड 12th बटालियंस, यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ कि जो भी बंदा मतलब बटालियंस के बारे में नहीं पता है तो आई बटन में डाल दूंगा। अपना एक वीडियो बना चुका है बटालियन क्या होता है और क्या चीज़ वहाँ पे रहता है। तो अभी बात करते हैं सबसे नंबर 1 बटालियन के बारे में। और यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर 1 में देखते हैं। नंबर 1 बटालियन आरपीएसएफ लमडिंग असम में है। यहाँ का एड्रेस ये है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो कब कब जो है एस्टाब्लिश हुआ क्या है। और इतना ज़रूरत नहीं आपको, यहाँ पे देखते हैं आरपीएसएफ की 2nd बटालियन के बारे में। गोरखपुर में है और उसके बाद में 3rd लखनऊ में है यूपी, और 4th बटालियन वेस्ट बंगाल में है, और 5th बटालियन आरपीएसएफ तिरुचनापल्ली है यानी तमिलनाडु में है, और 6th बटालियन आपकी दया बस्ती दिल्ली 35 है, न्यू दिल्ली में। और फिर जो है मौलाना अली एपी में है। अभी हाल फिलहाल में ये तेलंगाना में है, ये मतलब तेलंगाना स्टेट में अभी है। ये जो है हैदराबाद की एड्रेस है, तो हैदराबाद की एड्रेस में आपके 7th बटालियन हैदराबाद में है, तो तेलंगाना में है। और उसके बाद में चितरंजन, 8वां बटालियन चितरंजन वेस्ट बंगाल में है, और 9th बटालियन जो है आपकी हरियाणा में है, और उसके बाद में 10th बटालियन धनबादी झारखंड में है। तो उसके बाद में 11th बटालियन आरपीएसएफ बिहार में है, और 12th बटालियन आरपीएसएफ जो है महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों यहाँ पे हाल फिलहाल की जो इस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं वेबसाइट पे आरपीएसएफ की वेबसाइट में डाउनलोड करके आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ भी आपको जानकारी या ऑफलाइन कोर्सेस नहीं लेना चाहते हो और उतना पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो तो अपना चैनल की तरफ से आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के लिए और एसएससी जीडी के लिए ऑनलाइन कोर्सेज चल रहा है, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिसको इच्छुक है वही कर सकता है। फिर मिलते हैं एक और के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।